हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं न्यू गेम प्ले वीडियो में। आज हम वैसे तो हैक करेंगे जी गेम गार्डियन से यार के सर्वाइवल गेम को। तो ओके, ये देख सकते हो कि यहाँ पे हेल्थ है वगैरह बहुत कुछ है, तो हम इसको मतलब वैल्यू फाइंड करके हैक करेंगे। तो यहाँ पे पहले वैल्यू हम लिख देते हैं 100.0। ओके, फ्लोट में सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी पॉइंट में है ना वैल्यू हमारी, इसीलिए ये देख सकते हो हेल्थ की वैल्यू है 100.0। ओके, और पॉइंट में है इसीलिए वो आएगा फ्लोट में। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो सर्च न्यू सर्च पे क्लिक कर दिए। अब देखते हैं कितने रिजल्ट मिलते हैं। तुम करीबन 13,000 के आसपास हमें वैल्यू मिल चुकी है। ओके, तो देख सकते हो अभी ना हमको जो हमारा हेल्थ है इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो चुका है और 130.0 तक आ चुका है। ओके, तो अब फिर से हम रिफाइन करते, तो 130.0 लिख के रिफाइन कर देते हैं। हमें मिल चुकी है 5 वैल्यू, बहुत बढ़िया वैल्यू, बहुत अच्छे से मिल गई। चलो पहले एक कर देते हैं इधर। ओके, पहली ही बार में हमारी वैल्यू मिल चुकी है। हमारी जो पहली वैल्यू है वही हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, तो हम वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हमारा जो हेल्थ है वो भी बढ़ जाएगा। देख, जो 500 हमने हेल्थ कर दी। ओके, देखते हैं हमारी हेल्थ बढ़ी घटी। ओके, हमारी हेल्थ बढ़ चुकी है, ये देख सकते हो हमारी हेल्थ मतलब बढ़ रही है। पहले 100 थी ना, तो अब बढ़ती जाएगी अब। ओके, तो ये देख सकते हो 109, 10 ऐसे बढ़ते बढ़ते 500 तक जाएगी। ओके, तो फिर और इधर फ्रीज तो कर दिया, फिर भी हेल्थ हमारी जा रही है। गाइस देख लेते हैं एक बार फिर से हेल्थ। ओके, नहीं मतलब जा रही है हेल्थ, इसलिए फ्रीज नहीं हुआ। वो आगे मैं बताऊंगा फ्रीज का क्या काम होता है। तो कुछ नहीं गई इस हेल्थ का, फ्रीज का फ्रीज तो नहीं हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी हेल्थ जो है वो इधर नाम दे देते हैं हेल्थ कैसे भी। तो यहाँ पे फिर से सर्च में चलते हैं, टेन लिखते हैं और सर्च करते हैं। हमारा जो टेन ये वाला है ना अपना, वो जिसे हम अनलॉक करते हैं अपनी चीज़ें क्राफ्ट करने के लिए, वो वाले। ओके, बहुत सारी वैल्यू वैसे तो मिल चुकी है। चलो 3 वेस्ट करते हैं और ये 7 हो चुके हैं, तो हमारी इधर 7 लिख के रिफाइन कर देते हैं। देखो 36 वैल्यू बची, तो यहाँ पे फिर से एक वैल्यू खोल लेते हैं 4। ओके, हमारी वैल्यू फिलहाल 4 है। ओके, तो यहाँ पे 4 करके रिफाइन कर लेते हैं। हमें 2 वैल्यू मिल चुकी है, इसमें से हम 55 किए। ओके, तो देख सकते हो ये भी पहली ही बार में हमारी वैल्यू 2 में से जो पहला था वही ओरिजिनल वैल्यू है, तो वहाँ पे हम कैसे भी मतलब कर देंगे कुछ नहीं, जितना मर्जी हो सके उतना पॉइंट हम कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ओके, तो 6 जो बेरीज थी उसका हमने जो ये 6 जो बेरीज है इसको हम करने वाले हैं, तो इसको हमने डिक्रीज कर दिया। हमारे पास 4 बेरीज है, तो ये 4 बेरीज को हमने रिफाइन किया। ओके, तो वो रही बेरीज जो डाल दी थी मैंने, और हमारे में फिर से 6 हो चुके हैं, तो हम 6 करके रिफाइन कर देंगे। ओके, और इसको और डिक्रीज करके, और ओके हमारे पास 5 है, तो 5 करके रिफाइन करते, 3 वैल्यू मिल चुके हैं हमें। तो पहले 100 करते हैं, नहीं हुआ कुछ नहीं, दूसरी वैल्यू देखते हैं 100। ओके, नहीं हुआ, मतलब जो हमारे लास्ट वाली जो वैल्यू है वही ओरिजिनल है। हम अब यहाँ पे जितने भी
लिखेंगे, देख सकते हो 100 आ चुकी है। ओके, तो इसको हम फ्रीज करके देखते हैं ताकि हमें, मैं तो आपको बता सकूं कि फ्रीज का मतलब क्या होता है। देख सकते हो यहाँ पे सेव कर देते हैं पहले तो बेरी नाम से। ओके, ये कहाँ गई, ये रही बेरी नाम की। और अब हम इसको ना फ्रीज कर दिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हम जितनी भी मतलब बेरीज खाएं कम ही नहीं हो रही, 67 ही है। यही होता है कि फ्रिज का मतलब, यानी कि एक ही जगह पे जो हमारी वैल्यू है वो की रहती है, वही वैल्यू रहती है, नहीं घटती नहीं, ज़्यादा होती ना ही कम होती है। ये होता है फ्रिज का काम, पर हेल्थ में काम नहीं किया, पता नहीं अब इसमें फ्रिज होता होगा ना इसलिए। ओके, यहाँ पे भी हमने जो था 55 वो भी फ्रीज कर दिया ताकि वैल्यू जो है वो हो ही नहीं कम। ओके, और देखते हैं क्या हम मतलब और कुछ हैक वगैरह कर सकते हैं। तो जो पॉइंट का होगा ना वैल्यू गाइस वो होगा फ्लोट में, बट जो दूसरी वैल्यूज होगी वो होगी डिवर्ड में। ओके, तो हम पहले 100.5 लिख देते हैं। ओके, तो गाइस देख सकते हो कि जो हमारा वेट है वो वैल्यू को हम लेंगे तो फ्लोट कर देते हैं पहले तो, और वैल्यू को लिख देते हैं, लिख तो दिया है 100.5, और उसको न्यू सर्च पे भी कर दिया है। तो हमारे देख सकते हो जो रिजल्ट है सिर्फ 7 आए, तो बहुत ही बढ़िया। ऐसे जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं जो वेट का है वो वैसे ही है। ओके, तो हम पूरी चेंज कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे 102, तो देखते हैं पहले हुआ नहीं हुआ रहा, तो कुछ नहीं सब पूरी चेंज कर देंगे। ओके, 103, यहाँ पे 104, ऐसे ही करते करते हम जो लास्ट तक है वहाँ तक हम वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं ताकि सही हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम कर देते हैं 6, और जो है इसको 7 कर देते हैं। ओके ओके, देखते हैं अब वैल्यू तो चेंज हुई ही होगी क्योंकि हमारी जितने भी वैल्यू थी उतनी हमने चेंज कर दी है। तो देख सकते हो यहाँ पे वेट का हो चुका है 104.5, यानी कि हमारी जो 104.5 वाली वैल्यू है ये वाली वही हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। तो देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो ये हमारी वजन जो है उठाने की क्षमता उसको बढ़ा देगा। आपको समझ में आया होगा तो अच्छा है, वरना अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वेट लिख देते हैं ताकि हमारा जो सेव हो चुके यहाँ पे वेट हेल्थ बेरी वगैरह का हमारे पास है। तो पहले हम 10.5 कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि वेट मतलब क्या है। आप जिसको समझ में आया वो सही है। अभी तो हमारे पास सिर्फ वेट 3.9 मतलब कि 4 kg का सामान है। अभी यहाँ पे 500 हमने मतलब 5000 मतलब कि 5000 बेरीज ले ली है। तो यहाँ पे बैग में ले लेते हैं, देख सकते हो हमारे पास 152 केजी का सामान हो चुका है और हमारी क्षमता है सिर्फ 10 की, तो हम चल नहीं पाए। अब ये देख सकते हो हम चल नहीं पा रहे हैं, यहाँ से हिल ही नहीं सके एक जगह से। ओके, ये देख सकते हो वेट का है जो रेड हो चुका है, यानी कि हमारी जो क्षमता है 10.5 की है और हमारे पास है वजन कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं वेट की वैल्यू। ओके, ये रेड क्यों नहीं जा रहा। ओके, देख सकते हो हम चल पा रहे हैं अभी क्योंकि हमारी क्षमता है जो हमने बहुत ही बढ़िया बढ़ा दी है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके, और देखते हैं क्या हम हैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम
तो सर्च में जाते हैं और लिख देते हैं 100.3। अरे भाई साहब ये, चलो भागते हैं किसी एक जगह पे चलते हैं। ओके हम आ चुके हैं थोड़ी एक सही जगह पे। अभी तो 100.3 जो हमारी वैल्यू है, देखते हैं फाउंड। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है जो फाउंड नहीं हुई, मतलब कि ये वैल्यू फाउंड नहीं हो रही। वैल्यू पता नहीं है ये क्यों नहीं हुई, वैल्यू फाइंड पर होगा कुछ रीज़न, या तो इसकी वैल्यू अलग होगी इसलिए, वरना हो जाता। ओके तो हमारे पास और क्या है जो हम कर सकते हैं, तो देखते हैं। अभी फिलहाल हम डबल लेके देख रहे हैं। ओके पर इसमें भी नहीं मिल रहा, जो पॉइंट की वैल्यू है वो फ्लोट में ले सकते हो या तो डबल में, दो में। कुछ नहीं, वैल्यू तो मिली नहीं गाइस। अब क्या है कर सकते हैं हम। ओके स्टेमिना है, हम स्टेमिना को भी हैक कर सकते हैं ना। ओके तो यहाँ पे हम 100.1 लिख देते हैं, जो है वैल्यू हमारे उसका वैल्यू है, पर वो भी नहीं हुआ। फिलहाल हम यूज़ करते हैं फ्लोट का, पर फ्लोट में भी नहीं हो रहा है 100.1 का। ऑटो में करके देखते हैं, ऑटो में आ ही जाता है, होगा तो। पर लगता है जो ये वैल्यू 100.1 वो एग्जिट नहीं करती इस गेम में। ओके जो परसेंटेज वाली वैल्यू दिख रही है वही स्पीड की और भी वैल्यूज थी वो मैं देख रहा था, पर वो नहीं हो रही है वैल्यू। ओके ये थी स्पीड की स्क्रिप्ट जो मैंने डाली है, वो जो हमारा स्पीड होगी उसको इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ओके देखते हैं वर्क करते हैं कि नहीं स्क्रिप्ट। ओके यार कितनी फाउंड होगी वैल्यू, क्या हुआ? अरे भाई साहब गेम गार्डियन क्रैश हो गया मेरा। ओके गेम गार्डियन तो क्रैश हो गया गाइस, पर कोई ना, हम फिर भी गेम गार्डियन को लेके आएंगे फिर से। ओके तो थोड़ी बेरीज वगैरह ले लूँ। ओके तो हमारा और क्या क्या बाकी रह गया, वैसे तो सब कुछ हम हैक कर सकते हैं, पर उसके लिए और भी अलग अलग ट्रिक होगी, और भी आपको मन में जो होगा वो कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस पे हो। ओके तो गाइस अभी तो देखते हैं हम फिर से गेम गार्डियन लाते हैं। ओके तो हमारा कहाँ गया गेम गार्डियन, ये रहा, इसको पहले स्टार्ट करते हैं। ओके गेम में आ जाते हैं फिर से, क्रैश हो गया था तो गेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके अभी वो जो हमारी वैल्यू है वो है 0.1, जो हमारी डिफेंस की होगी जो फ्लोट में ही होने वाली है, पर पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा मिल गई डिफेंस की वैल्यू। पर यहाँ पे हमारे पास इक्यूब कुछ नहीं है, तो ये तो क्या कर सकते हैं। ओके तो हम दूसरी वैल्यू सर्च करते हैं, वो सही रहेगा मेरे को लगता है। तो
101.5 कर लेते हैं, जो हमारी स्टेमिना की वैल्यू है। देख सकते हो कि 101.5 हमारे स्टेमिना की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम पहले तो देखते हैं, तो देख सकते हो हमारी जो पहली है वैल्यू वही स्टेमिना की बढ़िया है। यहाँ पे हम स्टेमिना की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो देखिएगा हमारे स्टेमिना है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो अभी तो फिलहाल वाटर की कमी पड़ रही है, और खाने की तो हम पहले खा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेमिना है वो भूख के साथ वाटर भी चाहिए जिससे बढ़ता है, इसलिए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो टॉपिक हो वो कमेंट कर देना, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलना। ओके, तो लाइक कर देना।